वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शो में जिसका नाम है लाइव दोगुना। मैं हूं रवि, ये है राहुल और एक खम्बा रखा हुआ है बीच में। बिल्कुल, अब मैं इसको खम्बा इसलिए बोल रहा हूं कि एक्चुअली में ये खम्बे जैसी लंबी सी बोतल है, ठीक है। इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हो, इंद्री ट्रिनी वंस अगेन दोस्त हमारा सिंगल मॉल्ट लेके आया है और ये हमारी खुद की बनाई हुई सिंगल मॉल्ट है। खुद की बनाई हुई से मेरा मतलब हमारे देश में बनी हुई सिंगल मॉल्ट है, इंडियन सिंगल मॉल्ट है जिसने पूरे इंटरनेशनल मार्केट पे मतलब धाम धूम मचा रखी है और अभी तक मतलब कि इसको कितने ही अवार्ड मिल चुके हैं जो आपको शायद सोच के भी हैरानी होगी कि इंडियन स्कॉचेस को इतने सारे अवार्ड मिल चुके हैं, इंडियन विस्की सॉरी। बिल्कुल भाई, लड़खड़ा गया थोड़ा। हाँ, क्योंकि ना स्कॉच इसलिए बोलते हैं कि भाई इतनी स्मूथ है, इतनी बढ़िया है कि किसी भी अच्छी स्कॉच को टक्कर दे सकती है और देती है, वर्ल्ड वाइड दे रही है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छी क्या कहते हैं, मैं भी स्कॉच ही बोलने वाला था। हाँ। अच्छी सिंगल मॉल्ट विस्की है ये, ठीक है। इसका बनाने का प्रोसेस भी काफी अच्छा बढ़िया प्रोसेस है, अभी जब बात करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। इससे पहले कि स्टार्ट करें, बीच में आप अगर आपको यहाँ पे कैमरा का फोकस है तो दिखेगा आपको, एक मीट बॉल का चकना बनाया मैंने आज, ठीक है। ये मटन के बॉल्स हैं, ठीक है, और मटन के बॉल्स से मतलब है कि अच्छा सा कीमा बना के उसके बॉल्स बनाए मैंने और उसको अच्छा सा फ्राई किया है, क्रिस्पी बनाया है इसको, और इसके ऊपर डाला है मैंने आपका क्रीम का बेस, ठीक है। वाह, हाँ, तो ये जो ऊपर से जो भी है पेस्ट करके देख, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मूथ चकना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यार इंद्री थोड़ी सी वैसी है। हाँ, ठीक है, इसको मैं पी चुका हूँ, थोड़ा सा इसका है, इसके अंदर का खुद का एक रॉब है, स्पाइसीनेस है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा स्मूथ चकने के साथ ब्लेंड करके खाकर था। जब तक हम खा रहे हैं और ये डिसाइड कर रहा है कि कैसा, तब तक आप जाके रेसिपी लीजिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. We'll be right back.
तो गाइस रेसिपी आपने देख ली होगी, रेसिपी बहुत उमदा है, बहुत मज़ेदार है और टैंगी सा टेस्ट है, मतलब बढ़िया मज़ेदार, चटपटा खट्टा जो एक होता है ना चटने के अंदर वाला टेस्ट इसके अंदर, और मज़ा आया खा के इसको। क्रीमी भी है, खट्टी भी है, क्योंकि क्रीम के साथ मैंने इसमें दही मिक्स किया है, तो दोनों का अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना है, और जो मीट बॉल का खुद का टेस्ट है वो तो है बिल्कुल, है ना। हाँ एकदम बढ़िया, ट्राई करना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। और ये आप एक्चुअली में चटनी शानदार है, चटनी शानदार है, मज़ेदार। ये सॉस आप बहुत सारी चीज़ों के लिए, इवन जो पास्ता बनता है ना आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। चलो तो ये था चटनी की कहानी, पसंद आया था, बढ़िया, आप भी ट्राई करना, आपको भी आएगा। चटनी को करते हैं साइड और बीच में लाते हैं अपना इंद्री। तो इसका नाम है इंद्री त्रिणी, आप त्रिणी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो एजिंग प्रोसेस है इसको अलग तीन अलग अलग वुडन कास्ट में डाला जाता है और एज किया जाता है। अब ये तीनों अलग वुडन एक्स बर्बन कास्ट इनमें से एक होता है, एक्स फ्रेंच वाइन कास्ट है और एक्स शेरी कास्ट है, ठीक है। अगर आपको याद हो जब हमने ग्लेनफिडिक का रिव्यू किया था तो उसमें भी उसको दो अलग अलग कास्ट में मैच्योर किया जा रहा था और लगभग 12 साल के लिए। बस इसके साथ यही है कि इस कितने साल के लिए एज किया गया है वो कोई इसका स्टेटमेंट नहीं देते ये लोग, क्योंकि अगेन इंडिया में एजिंग का स्टेटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में एजिंग कराने का मतलब कि लॉस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है हमारा, ज़्यादा जल्दी जो है एंजल शेयर बोलते हैं जो विस्की उड़ जाती है, तो ज़्यादा जल्दी उड़ जाती है यहाँ पे, तो लॉस ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे एजिंग कराना बहुत मुश्किल होता है। बट बिना एज कराए बहुत अच्छा कैरेक्टर हम हासिल कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्योंकि ना सुरेंद्र कुमार ने तो अच्छा मास्टर ब्लेंडर ब्रांड बनाया ना कि उसका कहने का जवाब ही नहीं, मतलब मज़ा आ गया, मतलब इसको ठीक है। देखो थोड़ा सा अगर इसके प्रोसेस के बारे में बताएं, बट उससे पहले ये जहाँ तक मेरे को याद है 2012 में पहली बार 2012 में मार्केट में ये लेट आई थी, बट एक्चुअली में सिंगल मॉल्ट इनका बनके 2012 में तैयार हो गया था। तो पिकार्डली के घराने से आती है ये, ठीक है। देखो पिकार्डली एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का, जिसके अंडर बहुत सारे ब्रांड आते हैं और इंद्री उनमें से एक है, और सच बताऊं ये इतना बढ़िया उमदा ब्रांड बन चुका है कि इसको पिकार्डली की जरूरत नहीं है मार्केटिंग करने के लिए, बिल्कुल है ना, ये अपने आप में ही एक खुद का ब्रांड बन चुकी है आज के टाइम पे। किसी से पूछोगे कि भाई पिकार्डली की इंद्री, तो उनको लगेगा पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तुम सीधा बोलो इंद्री, सबको पता है ये इंद्री। और ये ट्रिप जो हम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रोसेस वगैरह, थोड़ा सा प्रोसेस और बता देता हूँ बेसिकली। अगेन राजस्थान से किसी फार्मर के थ्रू ये अपना जो भी ग्रेन है जो भी मॉल्ट करके उसको यूज करते हैं, बट कोई आइडिया नहीं, मैं बताता हूँ कौन है वो फार्मर, गोदा राम है। अच्छा। जिन्होंने 6 रो सिविलाइज प्रोसेस के थ्रू बनाना चालू करा था, बाड़े 40 डिग्री फिर 50 डिग्री फिर 70 डिग्री तक लेके जाते हैं वो, अलग अलग रो में उसे भूंद ऑलमोस्ट भूंद तक देते हैं, मतलब अच्छा तो ज़्यादा भुना हुआ बाड़े जाता है उसको फिर 40 डिग्री पे करते हैं, फिर 50 डिग्री पे लेके आते हैं, फिर 70 डिग्री पे, वो प्रोसेस है 6 वे प्रोसेस इनका होता है, उसके थ्रू फिर ये अपना बाड़े यूज़ करते हैं इसके अंदर। ये बहुत सही चीज बताई इसमें। हाँ ठीक है, मेरे को एक्चुअली मैंने ढूंढा, मेरे को फार्मर की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, बट ये ढूंढ के लेके आया। फिर इसके अंदर जो स्मोकी टेस्ट है इसको बैलेंस करने के लिए वो आता है पीटीनेस। अब देखो जो पीट है ना ये एक तरीके का एक जमीन होती है, तरीके की मिट्टी होती है, इंडिया में नहीं मिलती है, आयरिश में आयरलैंड में मिलती है, ये वहाँ से इंपोर्ट करके उसको इसमें मिक्स करते हैं और उससे ही स्मोकी टेस्ट आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी में करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, और उसके बाद अगेन ये कॉपर स्टील पॉट में इसको डिस्टिल करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया तीन अलग अलग कास्ट में इसको मैच्योर करते हैं। अगेन कितने टाइम के लिए मैच्योर किया जा रहा है कोई स्टेटमेंट नहीं है, रीज़न आपको पता है कि, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया सारी बातें हो गई, पीने में कैसी है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं, एग्जैक्टली, और बॉटलिंग पे आते हैं। तो देखो मेरे को इसकी पैकेजिंग बिल्कुल सही लगी है कि एकदम सफेद कलर का बॉक्स है इसका, जो पेपर वगैरह जो भी इस्तेमाल किया हुआ है काफी प्रीमियम है, प्रिंटिंग वगैरह काफी अच्छी है इसकी। और अवार्ड की बात जल्दी शुरू में अवार्ड बता भी दे भाई, बॉक्स पे लिखे भी हुए सारे अवार्ड बता दे भाई, बहुत सारे अवार्ड यार इस पे। हाँ। देखो अभी इस टाइम पे वर्ल्ड में जितने अवार्ड है ना, वर्ल्ड विस्की अवार्ड हो गया आपका, स्पिरिट अवार्ड है, स्पिरिट चैलेंज अवार्ड है, ग्लोबल स्पिरिट अवार्ड है आपका, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल विस्की कॉम्पिटिशन है आपका, ग्लोबल वर्ल्ड विस्की मास्टर्स गोल्ड अवार्ड है, और टॉप 20 विस्की ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड है, मतलब मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊंगा यहाँ पे तो इन्होंने बड़े बड़े अवार्ड लिए। हाँ। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे अवार्ड्स, अलग अलग रीजनल अवार्ड्स भी इनको मिले हुए हैं जो इनकी वेबसाइट पे हैं, कभी आप जाके देखना, मतलब एक अलग पेज डेडिकेट कर सकते हैं अपने अवार्ड्स के लिए, इतने अवार्ड मिल चुके हैं।
तीन वेरिएंट आते हैं मेरे ख्याल, इंद्री है और ध्रुव है और एक्चुअली मैं चाह रहा हूं एक है त्रिनी है, एक थ्री वुड स्पेशल थ्री वुड अलग से आता है और एक आपका है ध्रुव और एक दीपावली स्पेशल। वो तो दीपावली स्पेशल वेरिएंट है, वेरिएंट है। ये इन्होंने जो अभी मार्केट में उतारा हुआ है वो तो ये उतारा हुआ है द थ्री वुड त्रिनी, बाकी के तीन वो स्पेशल हैं, कहीं अगर आपकी सोर्सिंग अच्छी हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज वो तीन उन्होंने स्पेशली कंपटीशन के लिए निकाले हुए हैं। दीपावली जहाँ तक मेरे को याद है वो शायद उन्होंने लास्ट ईयर एक आध कुछ वेरिएंट मार्केट में निकाला था लिमिटेड एडिशन, ठीक है। तो ये है इसके बारे में, 42.8 बाय वॉल्यूम इसके अंदर आपका एल्कोहल लेवल है, हम पी के बताएंगे कैसा है कैसा नहीं है। नाउ अगर आप इन दोनों को साथ में रख दें तो सिर्फ इतना सा फर्क है, मुश्किल से 1 इंच का। ये बोतल भी लंबी है, ये नहीं कि बाहर का पैकेजिंग ही बड़ा हो, ठीक है, इसको साइड में रख देता है, शक्ल काट रहा हूँ। नाउ इसकी बोतल देखो, एकदम ना क्लासिक बोतल है, एकदम क्लासिक, ठीक है। कोई ज्यादा बोतल में इन्होंने स्पेशल वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है, नेक बहुत नैरो सा दिया है, बढ़िया नेक, देखो इजी टू हैंडल है, यूं करके पकड़ लो इसको, एग्जैक्टली, चल मेरे भाई वाला हालत का, एग्जैक्टली। और नीचे की बोतल एकदम स्मूथ, एकदम स्ट्रेट बोतल है इसकी, जो इसके ऊपर इन्होंने जो अपना लेबल लगाया हुआ है, मेरे को सबसे बढ़िया चीज इसमें जो लगी है ना, इनका नाम इंद्री, ज्यादातर इंडियन ब्रांड भी जो होता है ना अपना नाम लिखते हैं इंग्लिश में, हाँ है ना, इन्होंने जो प्रीमियम तरीके से हिंदी शब्दों का हिंदी वर्ड का उच्चारण जो करा है, एग्जैक्टली, इतना बढ़िया गया है ना, मजा आ गया, मतलब ऐसा जो वर्ड का प्ले मेरे को मिलता है ना इस तरीके से, जो कैलीग्राफी बोलते हैं इसको, हाँ। वो जैपनीज विस्की के ऊपर और लिखता है, उनके भी ऊपर अच्छा लिखा होता है, और ये इंडिया में भी हमने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, ठीक है। इंद्री है, हिंदी नाम है इंद्री का, अगर आपको पता है ये जो हमारे 5 senses होते हैं, इंद्रिया जिसको बोलते हैं उनको डिनोट करते हैं, जिस शहर में ये डिस्टिल होती है उस शहर का नाम भी इंद्री है, और जो इनका मैसेज है कि भैया सिर्फ टेस्ट नहीं, हमारे 5 वो होते हैं इंद्रिया, ये 5ों की 5ों इंद्रियों को इंगेज करेगी, ऐसी विस्की बनाई है इन्होंने और वही डिनोट करती है विस्की। क्यों, और इस विस्की का अगर मैं एग्जाम्पल अगर किसी से करूँ ना तो मैं मेकिन तो सिल्वर पे से लेके जाऊँगा, ठीक है, वो भी जब मैंने पी थी ना तो वो भी कुछ इसी तरीके का अरोमा दे रही थी, अमृत वाली, और कभी अगर हमको मेकिन तो सिल्वर मिली कहीं पे तो उसके साथ इसका कंपैरिजन हम जरूर करेंगे। चलो तो मैं पोर कर दे रहा हूँ आज, तो देखो बोतल बहुत बड़ी है, मैं इसको कर रहा हूँ साइड में, तो मेरी भी शक्ल पे सामने आ रही है, इसकी भी आ रही है। नाउ इसका जो कलर है ना थोड़ा सा डार्कर साइड पे, और उसके पीछे का रीज़न है, जब इसको फ्रेंच वाइन एक्स वाइन कास्ट में जब इसको मैच्योर किया जाता है तो जो फ्रांस की जो वाइन होती है ना उनमें काफ़ी ज़्यादा टैनिन होती है, टैनिन मतलब कि जो लकड़ी का और जो पहले से मैच्योर हो चुका है उसके अंदर उसका कलर रह जाता है, ठीक है, तो वो टैनिन इस विस्की में उतर के आता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो नॉर्मल विस्की से थोड़ा सा डार्क होता है, तो ये इसका नेचुरल कलर है, कोई एडिट नहीं है। 3 चीज़ें की खासियत है, नो चिल फिल्टर्ड, नो एडिट कलर और प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ये खासियत है इंद्री की। ना तो फ्लेवर एडेड है, हाँ। ना कलर एडेड है, हाँ। ठीक है, जो कि मुझे चाहिए होता है कि विस्की का खुद का कैरेक्टर होना चाहिए, हाँ। वो है इस, ठीक है। कलर मैंने आपको बताया इसका खुद का कलर है, क्यों, क्योंकि फ्रेंच एक्स फ्रेंच वाइन कास्ट में इसको मैच्योर किया जाता है। अब रह गए बाकी के दो, उसमें उनका भी एक कैरेक्टर इसके अंदर उतर के आता है, उनका भी वो भी अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले कलर की बात हो चुकी है नोजिंग कर ले, बिल्कुल, ओहो देखो स्पिरिट बर्न नहीं है बट नोज पे हैवी है, इसके फ्लेवर नोज पे जा तुरंत ही पता चलते हैं, क्यों, बिल्कुल, है ना, मतलब मैं पूरी अंदर नोज में अंदर भी नहीं लेके जा पाया था बट इसका अच्छा खासा फील नोज पे आ गया था मेरे, मिठास इसमें फील होगी आपको, कैरेमल का और हनी का इसमें फील होगा इसको, ठीक है, थोड़ा सा सिनेमन का स्पाइस का थोड़ा सा आपको फील होगा इसका, मैं बताऊँ सिनेमन स्पाइस का फील भी होता है थोड़ा सा, अगर आप अगर ग्रीन टी लवर्स हो ना तो थोड़ा टी का भी ना इसमें टच आता है, एक टी का भी अरबी, हाँ है ना, थोड़ा सा टी का थोड़ा सा वो आता है इसके अंदर, टी का हल्का सा मेरे को नोजिंग में महसूस होता है, हल्का सा टी का अरोमा। चलो जी टेस्ट करते हैं, सिट्रिसी स्पाइसी
और करमलाइज मतलब क्या कहूँ, मतलब पूरे गुण इसमें समा दिए उन्होंने, जो जो माउथ फील है ना पता चलता देसी। हाँ, और इंडिया में बनी है मैं बताऊँ, और जो आफ्टर जो वो आता है ना फील होता भाई यहाँ से वो वनीला, आफ्टर वनीला। इसमें मैं आपको बताता हूँ जो मेरे को फील हुआ है, मीठी है ठीक है, स्पाइस और जो स्पिरिट बर्न है दोनों मिक्स होके अच्छा खासा आपके पूरे मुंह को झंझनाहट देते हैं, आपके मुंह को बोलते हैं कि भैया हम हैं। हाँ ठीक है, पैलेट में आपको जाके फील कराएगी कि भैया हाँ आपने पी है। उसके बाद आते हैं आपके फ्लावरी नोट्स आते हैं, अगेन फ्लावरी और फ्रूटी नोट्स है, ये आपके एक्स शहरी कास की वजह से है इसके अंदर ठीक है। फिर इसके बाद जो भी मिठास है आपकी एक्स बर्बन कास की वजह से इसमें, मिठास में आपको इसमें हल्का सा एप्पल फील होगा, इसमें हल्का सा आपको कैरेमल हनी और ये सब फील होगा, थोड़ा चॉकलेटी इसका टेस्ट है ठीक है, और हल्की बिल्कुल लाइट स्मोक है, बिल्कुल लाइट। मैं कहूँगा बर्बन के जो कास में इसको रखा है ना वो एक अलग ही लेवल पे इसको लेके चला जाता है। देखो एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊँ, जितनी भी स्कॉटलैंड में स्कॉच बनती है ना, जितनी भी बनती है, उनकी खास बात पता है क्या, वो अपनी विस्की को एटलीस्ट एक बार एक्स बर्बन कास्ट में जरूर एक्सप्लोर करते हैं, ये खास बात है उनकी ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो उनकी विस्की में, क्योंकि वो एरिया ऐसा है मिठास उतनी ज़्यादा नेचुरली नहीं आ पाती है, तो उस मिठास को लाने के लिए वो एक्स बर्बन कास्ट का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से अच्छा खासा बैलेंस मिलता है ज़्यादा स्कॉचेज में, और वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे करी। और मैं वो चीज़ कहूँगा कि ना इतना अच्छा, मतलब इन्होंने मैच्योर प्रोसेस कराया ना कि फ्रॉम द वेबसाइट रिकॉर्ड में कहूँगा 40,000 से ज़्यादा बैरल ये अभी तक बिक चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। बढ़िया है, मतलब मैं ये कहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया था कि बिल्कुल स्मूथ भी पसंद नहीं आती है, और बहुत ज़्यादा कड़वी या फिर बहुत ज़्यादा बर्न हो वो भी पसंद नहीं आती, ये मेरे हिसाब से, मेरे पैलेट के हिसाब से ना एकदम बढ़िया है, कि ये बताती है कि मैं हूँ, और ये भी बता दिए कि मैं सिर्फ हूँ नहीं, मेरे साथ बहुत सारे फ्लेवर्स भी। और इसीलिए ना मैं कहूँगा कि अलग ही लेवल पे जा रही है इंद्री आज की डेट में, कि अगर आप जाओगे ना कहीं पे भी ठेके पर जल्दी ख़त्म होती है इंद्री। और प्राइजिंग की बात अगर मैं करूँ तो किसी भी स्कॉच से ज़्यादा इसकी प्राइजिंग आज की डेट में, मैं तो एल्बम से लेके आया था, दिल्ली में अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे को ये 2500 रुपये की एल्बम में पड़ी है दिल्ली में, 3 के आसपास तो होगी। अब मुझे नहीं पता दिल्ली के अंदर प्राइसिंग, और दिल्ली वाले जो प्लीज़ मेरे को बताना कि दिल्ली में प्राइसिंग क्या है इसका, क्योंकि दिल्ली के अंदर मैं मिली नहीं तो मेरे को प्राइस भी नहीं पता इसका, तो प्लीज़ आप बताना। 2500 रुपये की मेरे को एल्बम से मिली है, तो आप लगा सकते हो रेशो कि किसी भी स्कॉच से ज़्यादा इसकी प्राइसिंग है। आप उसको ले लो सीधा सीधा, अगर एल्बम में करीब 1700 या 1800 रुपये की आपकी आयरिश विस्की आती है ठीक है, और मेरे को वो बहुत पसंद है पर्सनली, और इसका जो टेस्ट है ना उससे काफ़ी बेटर है, ये स्मूथनेस और टेस्ट प्रोफाइल में काफ़ी बेटर है उससे एट एनी गिवन डे, और साथ ही साथ जो प्राइस रेट है ना मेरे को लगता है जस्टिफाइड है इसका, 2500 रुपये ठीक है इंडिया का, मैं दिल्ली का बता नहीं है मेरे को, अगर 3000 के आसपास है एक बार को मैं इसको 3000 का भी खरीद लूँगा ठीक है, आई डोंट माइंड। तो चलो जल्दी से पानी ऑलरेडी ऐड कर दिया है, एक बार जरा पानी डाल के भी देख लेते हैं। ओके, तो कलर में हल्का सा फ़र्क आया है, थोड़ा सा लाइट हो गई है ना, नोजिंग रहता है, नोजिंग पहले ज़्यादा बेटर थी, 19-20 का फर्क आया, थोड़ी सी लो हो गई ठीक है, बट मिठास अभी भी आपको फील होगी गले में, इसकी मिठास स्ट्रांग है। जो इसका फ्लेवर है ना वो इसीलिए इसको इंद्री को ना बिल्कुल अलग बनाता है, क्योंकि कड़वापन है नो डाउट, लेकिन पीने के बाद जो अरोमा जो फ्लेवर्स आते हैं ना वो एक अलग ही लेवल पे से लेके जाते हैं, पीने के बाद जो आते हैं आपके मुंह में, आपके नोज में, आपके थ्रोट में, वो एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं इंद्री को। तो पानी मिलाने के बाद भी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है इसका। हाँ। पानी मिलाने के बाद ज़्यादातर किसी स्कॉच में, हम अच्छी स्कॉच में पानी मिलाओ ना तो उसका सब कुछ लो हो जाता है, एकदम मेलो हो जाती है ना, बिल्कुल। बट इसका पानी मिलाने के बाद भी सब कुछ बढ़िया है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था नीट के टाइम पे, कि इसमें ना एक ऑयली फील है, जैसे ही आप पियोगे ना तो पूरा मुँह में ऑयल जैसी कोटिंग आती है ठीक है, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो कोटिंग है ना उसकी वजह से जो फ्लेवर है ना वो मुँह में ज़्यादा देर तक रह पाता है, बिल्कुल है ना। तो ऐसा ये आप चेक करना, आपको आएगा थोड़ा सा बटरी सा ऑयली सा फील आएगा ठीक है।
इसके अलावा देखो अभी पानी मिला दिया है, मिठास थोड़ी मेलो हो गई है, स्पाइस थोड़ा आपको उभर के पता चलेगा, हल्का सा चॉकलेटी थोड़ा सा कड़वा पेन जो चॉकलेट का होता है ना आफ्टर टाइम वाला वो फील होगा। माउथ फील पहले भी अच्छा था, अभी ठीक ठाक है, मैं कहूँगा अभी भी बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से मैं इसको ऑन द रॉक पीना जरूर पसंद करूंगा, एक या दो आइस क्यूब के साथ। तो मैं तो ऑर्डर कर ही पीऊंगा भाई, देसी दारू है, देसी तरीके से पीएंगे भाई। बिल्कुल, तो देखो ये वाकई में एक वर्ल्ड टक्कर लेने के लिए एक बढ़िया सी विस्की हम लोगों ने बनाई है। और एक ये नहीं है, इस टाइम पे इंडिया में बहुत सारी विस्कीज बन चुकी है। बिल्कुल, ये मतलब एक ट्रेंड से चालू हो गया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी ना मतलब इसमें कूद रहे हैं। और मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है कि इंडिया भी अब इस तरीके के कॉम्पिटिशन देने लगा पूरे वर्ल्ड को। एक्चुअली में रिकॉग्निशन हो रहा है इंडियन विस्की का, एक कैटेगरी बन रही है इंडियन विस्की की। पहले क्या होता था, आपका बर्बन की कैटेगरी थी, आपकी स्कॉच की कैटेगरी थी, फिर आपकी आयरिस विस्की की कैटेगरी बनी, उसके बाद कैनेडियन विस्की की कैटेगरी बनी, सॉरी, फिर आपकी जापानीज विस्की की कैटेगरी बनी, और अब फाइनली इंडियन विस्की की भी कैटेगरी आ गई। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मॉल्ट बार्ले सब कुछ हमारे देश में मतलब उग रहा है, तो भाई हम उसका फायदा उठाएं और अपने लोगों को भी उसका फायदा दें। और एक सबसे बढ़िया चीज, क्योंकि हमारा ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पूरी दुनिया को 12-12 साल लगता है ना एक पर्टिकुलर टेस्ट को अटेन करने के लिए, हमको साल इंद्री ऐसी विस्की का भाई हमारे देश में 600 रुपये होना चाहिए। ऐसा तो नहीं करोगे तुम, बट ये है कि हाँ देखो अच्छी विस्की, नो डाउट अच्छी विस्की, ठीक है। खैर बातें करने बैठेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी, माहौल बन जाएगा। इससे पहले कि आगे चले जल्दी से इसको रिव्यू दे देते हैं, हमारे स्कोर कार्ड कहाँ है ये, ठीक है। तो देखो बॉटल ठीक है, 4.5 में बॉटल को दे रहा भाई, मैं 4 दूंगा पैकेजिंग बॉटलिंग को, ठीक है। मेरे को एक्चुअली ऐसी सिंपल बोतल बहुत पसंद आती है, ठीक है। अरोमा इसका, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ये मीठी ज़्यादा लगी, ठीक है, थोड़ा सा मीठी ज़्यादा थी ये नोज पे ज़्यादा, और नो डाउट नोज का फील अच्छा था बट मीठी ज़्यादा थी, एकदम से मीठा भक्का लगता है जैसे चाशनी, तो मैं इसको उतना ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं इसको 3.5 दूंगा। मैं इसको 5 दूंगा भाई, अरोमा मेरे को बहुत बढ़िया लगी भाई। मैं पैलेट एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा है, नो डाउट पैलेट एक्सपीरियंस में 4.5 दूंगा, मैं 4 दूंगा। मैं वैल्यू फॉर मनी इसका जो है, इंडिया में मनी है सब कुछ है, मैं क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट मैं बहुत बढ़ चढ़ के करता हूँ, मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छी करनी चाहिए और कर भी रही है, मैं इसको वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से तो है ही, ठीक है। मैंने जैसे कि बोला कि 3,000 तक भी मैं इसको खरीद सकता हूँ, मैं 5 दूंगा इसको वैल्यू फॉर मनी, मैं यहाँ पे 4.5 रखूँगा। कंजूसी कर रहा है इंडियन होके, देखो अगर इंडिया हमारी बताइए, हम इंडियंस की एक आदत है, मेरे इंटरनेशनल जितने भी देख रहे हो देख लेना, मैंने 5 रेटिंग दी है इसको वैल्यू अपने में, आप इंडिया आके इसको पीना, थोड़ा थोड़ा पॉसिबिलिटी होनी चाहिए बेटर बनाने की, ये मेरा मानना है। पहले से ही 5 दे दोगे ना, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ोगे तो भैया सामने वाला छोड़ेगा, ये तो हो गया भाई। चीजें होती है परफेक्ट, हम परफेक्ट पे जा रहे हैं भाई, परफेक्ट है हमारे लिए अंदरी। चलो तो मैंने पैकेजिंग पे इसको दिए थे 4, अरोमा में दिए थे 5, और पैलेट में दिए थे इसको 4, और वैल्यू होने में दिए थे इसको 5, तो टोटल जो मेरा वैल्यू स्कोर आ रहा है वो 4.5 आ रहा है। मेरा जो आ रहा है टोटल 4.5 पैकेजिंग के लिए, 3.5 अरोमा के लिए, 4.5 पैलेट के लिए, और 4.5 वैल्यू फॉर मनी के लिए मेरा आ रहा है 4.25, ठीक है। अब जरा एक फाइनल स्कोर निकाल लेते हैं, तो जो फाइनल स्कोर है हम दोनों का मिला के जो हमने एडजस्टमेंट जो करने थे कर लिए, फाइनल स्कोर है 4.4 का, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्कोर है, वर्ल्ड रैंकिंग का स्कोर है मेरे हिसाब से, और जैसे कि मैंने बताया वैल्यू फॉर मनी लगी मेरे को ये, और वाकई में वैल्यू फॉर मनी, क्यों है ना, इसलिए इसने 4.5 दिए हैं। आप बताना कि इसका स्कोर अच्छा था या मेरा स्कोर अच्छा था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे दोनों के स्कोर आपको मिल जाएंगे, इंडिविजुअल्स भी और जो लाइव दोनों का स्कोर है वो भी। अगेन जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने बोला था, हमने अभी ये नया नया रिव्यूइंग और नया नया क्या कहते हैं स्कोरिंग स्टार्ट किया है, आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, कुछ और ऐड करना है तो उसके बारे में बताइएगा, हम सोचेंगे करेंगे, ठीक है। और राहुल अपनी अर्जी करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इंद्री और ऐसे अच्छे अच्छे इंडियन ब्रांड का रिव्यू पाने के लिए बने रहो लाइव दुगना चैनल पे, और रेसिपी तो रवि आजकल अलग लेवल पे चल रहा है तो रेसिपी के लिए भी लगे रहो सारे। बिल्कुल, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, और जल्दी से हम मिलेंगे नए रिव्यू में, नए चखने, नए स्कोर कार्ड के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से लाइक दोगुना की तरफ से, राहुल की तरफ से शेयर।